मैसेज कर दीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका टाइम हो चुका है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सब कोई। आपका टाइम हो चुका है और क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए आज हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर एक डाइपोल है अपने पास और उस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्विटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा तभी आपको यह समझ में आएगा। तो एक बार मैं जल्दी से उसको विवेक के यादव जी जुड़ गए तो चलिए अच्छी बात है। ओके गुड इवनिंग सबको। अब इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक्सियल पोजीशन का सारा कंडीशन याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको इक्विटोरियल पोजीशन का कंडीशन याद होना चाहिए तभी यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं पहले और तब इसको स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा है, यहां पे माइनस में चार्ज, यहां पे प्लस में क्यू चार्ज है, और यह डाइपोल का एक्सिस है, अपना प्यारा सा एक्सिस है यह डाइपोल का, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल पोजीशन में तो इसका वैल्यू आता था 2kp बट्टे यहां से rq, ये फॉर्मूला था एक्सियल पोजीशन में। और इसका डायरेक्शन बच्चों इधर हुआ करता था एक्सियल पोजीशन में, इतना क्लियर है। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं याद है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ पी, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है यह, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और इसी डायरेक्शन में मतलब पी के डायरेक्शन में या पी का डायरेक्शन से, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन है, और उसके डायरेक्शन में एक्सियल पोजीशन आपको मिलता है, इतना याद रखना है। क्लियर है, फिर से एक बार देख लो। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कमेंट कर रहे हैं। चलो बच्चों हमें नहीं मालूम चल रहा कि कमेंट में क्या आ रहा है, ठीक है आप पे कंसंट्रेट कीजिए पढ़ने पे। देखिए हमने कहा क्या कि अगर यह आपका डाइपोल है तो इस डाइपोल के जो डायरेक्शंस होता है, इस पी के डायरेक्शंस में इसका वैल्यू निकालते हैं एक्सियल पोजीशंस का, तो ई एक्सियल आता है यहां पे 2kp बट्टा rq, ये वैल्यू आता है। देखो यहां पर पी के डायरेक्शन में निकाल रहा है ना, तो यहां पे क्या है बच्चों पी है, या क्या है पी है। अगर हम यहां पर पी के जगह पे आर होता तो यहां पे क्या लिखते बच्चों आर लिखते। अगर यहां पर P के जगह पे P cos थीटा होता तो क्या लिखते, यहां पर लिखते ऐसे 2kp cos थीटा बट्टे rq, ऐसा। मतलब सिंपल सा यह है
कि जो भी हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड यहां पर लिखते हैं, इसके डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस पी के डायरेक्शन में जाएंगे, एक्सियल पोजीशन मिलेगा, और इस एक्सियल पोजीशन के लिए जो भी पी का मैग्नीट्यूड होगा वो लिखते हैं। इतना क्लियर है? ओके, फिर याद करो, अगर यहां पर निकालते थे इक्विटोरियल पोजीशन, और इस इक्विटोरियल पोजीशंस का जो डायरेक्शंस आया था ऐसे था, और यह कैसे था बच्चों, पी ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर हुआ करता था, यानी पी के परपेंडिकुलर जाओगे ना तो क्या मिलेगा तुम्हें, इक्विटोरियल पोजीशन मिलेगा। और इसका फॉर्मूला होता था के पी बट्टा आर क्यू, यह फॉर्मूला आपको मिलता था। फिर से एक बार सुनो, हमने कहा परपेंडिकुलर जाओगे तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, पी आएगा, और पी क्या होगा, जो भी यहां पे डाइपोल मोमेंट था वह था यहां पे पी। अगर यहां पी के जगह पे पी कॉस थीटा होता तो यहां पे क्या लिखते, पी कॉस थीटा लिखते, यहां पे पी साइन थीटा होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा लिखेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आती है, आ गई है, तो यह बिल्कुल आसान है निकालना एनी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग। अभिषेक जुड़ गए हैं तो बोल रहे हैं गुड इवनिंग। ओके बच्चों, गुड इवनिंग सब, किसी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। सब किसी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इसको मिटा रहा हूं। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। तो मान लो कि यह आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे माइनस चार्ज क्यू, यहां पे प्लस में चार्ज क्यू, इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और यह इसका मिड पॉइंट है। क्या है बच्चों, मिड पॉइंट, और यह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P कैप, और इसके डायरेक्शन से, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर, मान लो कि बच्चों यह डिस्टेंस R है और एक पॉइंट C है, इसी C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। ओके, और यह एंगल कितना है बच्चों, थीटा एंगल है। फिर से एक बार सुनो, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा ना तब तक सॉल्यूशन में दिक्कत है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं उसे। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका लेंथ कितना दिया है बच्चों, 2L दिया हुआ है, यह इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है जो कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है आपको। ओके, क्वेश्चन क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्वेश्चन सबको क्लियर है कि करना क्या है हमें। क्या बात है, आज कमेंट बहुत कम आ रहा है।
एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ ओके, आइए तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर। देखो डाइपोल ऐसे होता है बच्चों, ये आपको याद है, और डाइपोल मोमेंट को हम पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो इस लाइन पर मान लेते हैं कि अपना डाइपोल मोमेंट है पी, ए वाला, यहां पे क्या हमने मान लिया पी अपना डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, इस पी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि कंपोनेंट के फॉर्म में इसको बांट लेते हैं, या ऐसे है कुछ। देखो ऐसे, यही आपका पी है, यह एंगल थीटा है, या आर या पी। तो इसका दो कंपोनेंट होगा बच्चों, एक इस पर होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। मतलब यह हुआ कि एक हमारा ऐसे कंपोनेंट जाएगा और एक इस पर होगा। अब आप सभी को याद है कि P जिसके साथ में एंगल बनाता है ना, उसके साथ में कॉस होता है, तो यहां पे चलाएगा P कॉस थीटा, और इसके साथ में क्या आएगा बच्चों? P साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे बच्चों हम लोग P कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? P साइन थीटा। यानी हमने P को दो कंपोनेंट में बांट दिया, दो कंपोनेंट में, और एक को कहा P cos थीटा और एक को कहा बच्चों P sin थीटा। इतना सबको क्लियर? ओके। अब देखो, अब यह जो पॉइंट है बच्चों C, यह P cos के डायरेक्शन में है। फिर से समझो, P cos थीटा के डायरेक्शन में पड़ रहा है ना ये वाला, तो यह पॉइंट C इसके लिए एक्सियल पोजीशन होगा। क्लियर है? यह पॉइंट C इस P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन होगा। फिर से एक बार माइंड में याद करो, आपको बताए थे ऐसे कि यह एक डाइपोल है, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, और हम P के डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या मिलता है हमको? एक्सियल पोजीशन में मिलता है। तो उसी प्रकार से P cos थीटा के डायरेक्शन में चलोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? एक्सियल पोजीशन मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू P cos थीटा। और यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो हम लिखेंगे यहां पे बच्चों या ऐसे होगा, और इसको लिखते हैं एक्सियल पोजीशन, और वैल्यू चलाएगा देखो 2k। अच्छा, लिखते थे यहां पे p, तो अब p के जगह पे कितना है? p cos थीटा है, तो यहां पे होगा p cos थीटा अब बट्टे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो कितना है rq, तो यह वैल्यू आएगा। क्लियर है? अच्छा, आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना? आप सभी को देख, देख लीजिए, ओके दिख रहा है। तो P cos थीटा के रिस्पेक्ट में यह पॉइंट एक्सियल वाला होगा और वैल्यू आएगा 2 के पी cos थीटा बट्टे आर क्यू। इतना क्लियर? देखो, अब इस P sin थीटा के लिए यह पॉइंट क्या होगा? इक्विटोरियल होगा। कैसे? तो P के हम डायरेक्शन में चलते थे ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, P के परपेंडिकुलर जाओगे तो क्या मिलता है? इक्विटोरियल। उसी प्रकार से इस P साइन थीटा के परपेंडिकुलर चलोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? इक्विटोरियल मिलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, तो इसको बोल दिया हमने इक्विटोरियल। और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों?
तो आएगा यहां से 2kp यहां पे साइन थीटा, 2 नहीं आएगा सॉरी बच्चों, kp साइन थीटा, यहां पे kp साइन थीटा बट्टे आर क्यू, देखो ये थीटा है क्योंकि p के जगह पे हमको सिर्फ p साइन थीटा रखना है। एक बार कमेंट देख लिया जाए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं क्या बाबू? खान सर जीएस रिसर्च सेंटर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो इतना क्लियर है आपको? इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इसके कारण इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा और उसका वैल्यू कितना होगा इक्विटोरियल, तो यहां पे के पी साइन थीटा बट्टे आर क्यू होगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अगर इतना क्लियर है बच्चों तो आगे तो बिल्कुल आसान है। देखो अब आप हमको बताओ, किसी एक पॉइंट पर ऐसे दो वेक्टर एक्ट कर रहा है, यह एक्सियल वाला और यह ऐसे इक्विटोरियल हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट तो निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? चलिए देखिए बाबू, ठीक है। तो यहां पे समझिए क्या कहा, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो आपको याद होगा वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी दो वेक्टर लगे तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ऐसे, एक पॉइंट ऐसे वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ऐसे मान लो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट कितना आएगा? R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इतना क्लियर? ए फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। समरी आंसर दे रही है, ठीक है। इतना देखिए, ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एक कोई है, ठीक है, खान जीएस रिसर्च सेंटर से, ठीक है सर, तो कमेंट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। एक कोई उनके नाम से चैनल बना दिया है लगता है, और इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है, आप लोग। और देखिए आप लोग पता नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे कमेंट क्यों आ रहा है। देखिए बाबू, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आजकल क्या है ना, ठीक है, बहुत फर्जी भी यूट्यूब पे आईडी बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी बना देते हैं आईडी और उससे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा है, छोड़िए कमेंट पे हमको फोकस नहीं करना है अभी, हमें क्या है क्लास में यहाँ पे सीखिए आप लोग क्या हो रहा है। देखिए बाबू, तो यहाँ पे क्या देखे कि दो वेक्टर अगर कहीं पे एक्ट कर रहा है
तो यहां पे रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसे निकालते हैं तो उसी फॉर्मूला से हम लिखते हैं बच्चों। यहां पे देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू लिखेंगे, यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, देखिए कितना आएगा वैल्यू आएगा बच्चों। ई आर इसको मान लेते हैं, यह रिजल्टेंट का वैल्यू है और इसका वैल्यू चलाएगा रूट अंडर यहां पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां पे ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस यहां पे टू एक्सियल आ इंटू इक्विटोरियल आ इंटू कॉस 90 डिग्री। देखो ध्यान से दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे 90। अब कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों का क्या सभी को याद होना चाहिए ना जी, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए तो आप लोग कितना होता है कॉस 90 का वैल्यू। देखिए आप लोग कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, मालूम नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फर्जी आईडी बना के ठीक है यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट ना कीजिए ठीक है, फर्जी आईडी बना करके अपना नाम शो कीजिए। चलिए और खान सर को बदनाम नहीं कीजिए ठीक है, आप लोग खान सर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हैं। वो इतने बड़े टीचर्स हैं ठीक है, ऐसे तो कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है। आइए देखिए बाबू, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना, जीरो। अर्पित शुक्ला का आंसर है जीरो, खान जीएस रिसर्च सेंटर भी आंसर दिया जीरो जीरो। चलिए तो यहां पे कॉस 90 का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, जीरो आएगा ठीक है, ओके। अब देखो ये जीरो, अब जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो लड्डू हो गया टोटल वैल्यू यह। तो यहां से ई आर का वैल्यू आपको मिलेगा रूट अंडर ऐसे ई एक्सियल का स्क्वायर और ई इक्विटोरियल का स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको, ओके। अब क्या करो, ये वैल्यू उठाओ और ये वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो ठीक है। आइए पुट कर लेते हैं, अपना प्यारा सा वैल्यू है रखो यहां पे है बच्चे 2kp और cos थीटा बट्टे आर क्यू इसका किए स्क्वायर प्लस। देखो इसका भी स्क्वायर करो तो यह के पी साइन थीटा बट्टे आर क्यू इसका भी कर लेते हैं स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पे इसमें क्या क्या है, यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी पी है, यहां भी पी है और यहां पे आर स्क्वायर आर क्यू है, यहां पर भी आर क्यू है। तो हम दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, वीडियो भी आएगा मतलब, चलिए ठीक है, पता नहीं कमेंट कैसा कैसे आ रहा है। देखिए बाबू यहां पे ई आर इक्वल टू यहां से वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से कॉमन किए तो यहां पे के पी अबट्टा आर क्यू ये पूरा का स्क्वायर ही कॉमन करते हैं, ध्यान से देखना, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही कॉमन करेंगे। तो यहां पे बचेगा कितना, के पी आर क्यू ये निकल गया तो यहां पे टू और टू का स्क्वायर फोर होगा तो यहां पे आएगा फोर और यह कॉस स्क्वायर, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहां पे के पी आर क्यू निकल गया तो क्या बच्चा बच्चों साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है सबको, एक बार कमेंट कर दो। एक बार कमेंट कर दो आप लोग, इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं,
हमें पूरा उम्मीद है कि इतना में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कॉमन लेने में। ओके चलिए अब देखो यह स्क्वायर है ना, तो ये दो बार है स्क्वायर, तो कितना है बार बच्चों, दो बार है, तो इसका एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा, तो ये वैल्यू चलाएगा यहाँ पे या के पी आर क्यू और रूट अंडर यह होगा फोर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा आप सबको याद है कि ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, होता है एक बार बता दो कमेंट करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकालें तो यहां से चला आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब इसका वैल्यू इतना है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या उठा के यहां पर रख दीजिए साइन स्क्वायर के जगह पे, यहां पे क्या बोल रही है समरिंग या सरवन होता है, ओके तो यहां पे रखे तो देखो कितना आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब देखो आई फोर कॉस स्क्वायर थीटा आई माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में मतलब कि यहां पे कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है, ये आपको समझना होगा। अब ये फोर में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, थ्री बचेगा ना। ओके अर्पित शुक्ला जी भी बोल रहे हैं कि यस सर, ओके बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है आप सभी को समझ में आ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। तो देखो वैल्यू कितना आएगा, इसको मिटाते हैं अब और इसको यहां पे लिखते हैं तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा के पी आर क्यू या के पी आर क्यू और यह रूट के अंदर आएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन और यह अपना प्यारा सा सॉल्यूशन है, प्यारा सा सॉल्यूशन याद करना है बच्चों, प्यारा सा सॉल्यूशन है। ई आर इक्वल टू मतलब कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशंस कितना आया के पी आर क्यू रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग कि इतना में कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर है समझ में आया, सब कुछ क्लियर है समझ में आया बोलिए। चलिए अच्छी बात है आप सबको समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो यहां तक हमने देखा इसका सॉल्यूशन की वैल्यू कितना आता है। अब डायरेक्टली बच्चों आपको इसका वैल्यू याद रखना है के पी आर क्यू आर रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे और इसका देखेंगे अप्लीकेशन कैसे कैसे करते हैं इस फॉर्मूला का। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम काउंट कर रहे हैं वन टू एंड थ्री, अब इसको मिटाएं। देखो बच्चों या आपका प्यारा सा सॉल्यूशन आया, इस प्यारा सा सॉल्यूशन का हम लोग करेंगे अभी पोस्टमार्टम, कैसे इसका यूज करेंगे देखिए। अब आपको यह वैल्यू याद रखना है यहां पे, तो आ गया ई
आर इक्वल टू या के पी आर क्यू और रूट अंडर यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहां पे थ्री था ये थ्री लिख दिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाइए ये सब चीजें। अच्छा बच्चों एक बार सोच के बताओ कि यह जो वैल्यू आया है इसका डायरेक्शन किधर होगा, सोच के बताओ डायरेक्शन किधर जाएगा इसका, मतलब कि यह जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्या इधर होगा, क्या इधर होगा या इसके बीच में होगा। कौन है जी, ठीक है पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है गाना के चक्कर में मत रहिए बुआ, आइए इधर। तो कह रहा है यहां पे बच्चों, इसको मिटा देते हैं देखो। अरे गाना क्या है, गाना तुम लोग डेली सुन रहा है ना। यहां पे क्या देखा हमने, इक्विटोरियल पोजीशन और यहां बच्चों एक्सियल पोजीशन, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आया होगा, तो यह अपना रिजल्टेंट होगा ऐसे, यही ई आर होगा ऐसा। अगर आपसे कह दे बच्चों कि इस रिजल्टेंट और इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम मान लेते हैं बच्चों यह कितना है एंगल अल्फा, तो यहां से निकालिएगा एंगल बिटवीन एक्सियल वाला एंड ई आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल कितना आएगा, इसको हम काट करके यहां पे लिख रहे हैं बच्चों ऐसे, यह हो गया अपना ई एक्सियल और यह हो गया अपना ई रिजल्टेंट और दिस इज योर एंगल, प्यारा सा अल्फा एंगल है। और यहां से डाल दीजिए एक परपेंडिकुलर, अब इसमें लगाओ बच्चों टेन थीटा का प्रॉपर्टी, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यह होता है बच्चों पी और यह होता है बी। पी मतलब ऐसे है ई इक्विटोरियल, देखो ये वाला जो लाइन है ना यही तो यहां पे होगा, नहीं समझ आया, यहां पे कहे कि ई वाला आपका है ई आर, ये एक्सियल है तो हमने इसको यहां पे लिखा, एक्सियल को यहां पे लिखा और इस ई आर को यहां पे लिखा, तो यह वाला लाइन क्या होगा बच्चों इसके बराबर होगा ना इक्विटोरियल के, तो यह क्या हो जाएगा इक्विटोरियल हो जाएगा, और यह इक्विटोरियल है तो यहां से टेन अल्फा इक्वल टू इक्विटोरियल, अब बट्टा कितना होगा बच्चों एक्सियल होगा। अब आप सबको इसका वैल्यू याद है, याद है इक्विटोरियल का मान अभी आपने कितना पढ़ा था, देखो यहां पे लिखेंगे बट्टे ई इक्विटोरियल, सब भुला गया होगा क्या फॉर्मूला, अभी जस्ट लिखवाए थे, आया था के पी यहां पे साइन थीटा अब बट्टा आर क्यू, यह फॉर्मूला आया था। और ई एक्सियल का वैल्यू आया था टू के पी, यहां से था बच्चों कॉस थीटा अबट्टे आर क्यू, ए वाला वैल्यू था। अब इस दोनों का मान यहां पर रख लीजिए और प्यारा सा देखिए कितना आता सॉल्यूशन, इसलिए टेन अल्फा इक्वल टू होगा, रखते हैं यहां पे, तो यह के पी साइन थीटा अबट्टा आर क्यू, अबट्टा में यहां पे 2 के पी और यह हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बट्टा आर क्यू होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए क्यों बाबू ज्यादा रात हो गया है काजी, यहां से के मर गया, p
पी से पी मर गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पे टू होगा, तो वैल्यू आएगा यहां से टेन अल्फा इक्वल टू देखो वन बटे टू, देखो देखो ऐसे आएगा वन बटे टू और टेन थीटा यहां से वैल्यू आएगा। तो इतना क्लियर है, टेन अल्फा का मान कितना आएगा और अल्फा का मान निकालोगे ना चलाएगा अल्फा इक्वल टू यहां से टेन इनवर्स वन बटे टू यहां से टेन थीटा, यह आपका एंगल का वैल्यू है। और इससे क्या निकलता है बच्चों, डायरेक्शन निकलता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एक्सियल, एक्सियल वाला से। तो बोलो इतना क्लियर है सबको, क्या 10 बज चुका है क्या, अभी तो 9:40 हो रहा है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि इतना क्लियर है, इतना में किसी को दिक्कत या कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए फटाफट, आप लोग बताइए एक बार। तो इसे बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन, यानी एंगल है यह, और एंगल निकालने से क्या निकलता है बच्चों, डायरेक्शन निकलता है। क्लियर, ओके, चलिए तो इसको मिटाएं। अब देखो इसमें क्या है ना बच्चों, इस एंगल का वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकलेगा। हम इसको एक बार आपको दिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं कि कैसे निकलता है फटाफट। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैनेज कर रहे हैं। तो 1, 2 and 3 ओके। अब देखो बच्चों यहां पे यह आपका प्यारा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज था, यह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यह इसका मिड पॉइंट है और हमने यहां से थीटा एंगल बनाते हुए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था, आप सबको याद है, अब इस ER का वैल्यू आया था के पी आर क्यू रूट अंडर यहां पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा कहां से मेजर करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा आपको कहां से मेजर करना है बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से। याद रखिएगा हमेशा जब भी आपको एंगल मेजर करने की बात आएगी तो आपको डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से मेजर करना है, ओके। अगर मान लो इफ थीटा इक्वल टू 0 degree हो जाए तब क्या होगा, तो यह जो लाइन है बच्चों ऐसे वह कहां पे चल जाएगा, यहां पे देखो ऐसे, मतलब कि यह जो पॉइंट है यह कहां चलाएगा, यहां पर। जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो उस कंडीशन में यह पॉइंट जो सी था वह उठ के कहां पे चलाएगा, एक्सियल पोजीशन बन जाएगा, और एक्सियल बन जाएगा तो हम कहेंगे कि देन पॉइंट सी इज एट एक्सिस, कहां पे होगा बच्चों, एक्सिस पर होगा, और उस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सियल बोलते हैं। और वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो यह के p
पी आर क्यू और रूट अंडर यहां पे थीटा के जगह पे पुट करोगे जीरो, तो देखो कितना आएगा थ्री और कॉस स्क्वायर यहां पे जीरो और प्लस कितना वन। अब तो सबको मान याद होगा इसका कॉस, चलिए कॉस जीरो का मान बता दीजिए एक बार कितना होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए कॉस जीरो का मान कितना होगा बच्चों। आई एम वेटिंग योर कमेंट, फटाफट बताइए। वन, बिल्कुल सही, कितना होगा बच्चों वन होगा। तो यहां से वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, तो यहां से ई देखो यहां लिख देते हैं, तो आएगा वैल्यू यहां से ई एक्सियल इक्वल टू या के पी बट्टा आर क्यू आर रूट अंडर या थ्री इंटू वन और प्लस वन, इसके जगह पे वन रखे मल्टीप्लाई किए इतना आ गया थ्री और प्लस वन कितना हुआ फोर, फोर का रूट कितना टू होगा और यह वैल्यू चला आएगा आपका टू के पी आर क्यू। तो यहां से बन जाता है बच्चों एक्सियल पोजीशन, मतलब यह हुआ कि हम इस वाला पोजीशन से कोई भी पोजीशन निकाल सकते हैं, कहीं पर भी पूछेगा ना, चाहे एक्सिस पे कहेगा चाहे इक्वेटर पे कहेगा, हर जगह निकाल सकते हैं। 30 डिग्री पे कहेगा, 50 डिग्री पे कहेगा, 120 डिग्री पे कहेगा, किसी भी पॉइंट पर कहे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने आपको यह बताया एक्सियल पोजिशन में कितना आएगा। अगर देखो देख लेते हैं बच्चों कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उस कंडीशंस में वैल्यू आएगा कॉस 90 का मान तो जीरो होता है, ये तो आप सभी को याद हो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद है कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो पूरे टर्म कितना जीरो हो जाएगा, मतलब यहां पे पुट करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो, तो यहां पे चला आएगा बच्चों इक्विटोरियल पोजीशन में यहां पे के पी बट्टा आर क्यू आर क्यू। तो यह आपका इक्विटोरियल पोजीशन भी इससे निकल गया। देखो कितना काम का चीज है बच्चों कि इस एक फॉर्मूला पढ़ने से हम पहले जो दोनों फॉर्मूला पढ़े थे ना उसका भी वैल्यू आ रहा है इसमें, इसलिए क्या है ना बच्चों यह इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्यूशन। अगर आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यह। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, और देखिए प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन किया जाए आप जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन लिया जाए एक, और इसको मिटा दें। हमने आप लोगों से बच्चों प्रॉमिस किया था कि इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ओके। चलिए तो एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए रहेगा, और इस होमवर्क को आपको क्या करना है करके और कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है ओके। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, टाइम हो गया है क्या 9:48। देखिए क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, यहां पे और यहां पे चार्जेज है, यहां पे चार्ज है बच्चों ये माइनस वाला चार्ज है, ये लिखा हुआ है 20 माइक्रो कूलम्ब माइनस में ऐसा,
यहाँ पे क्यू चार्ज है या प्लस में 20 माइक्रो कूलम्ब है और इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डाइपोल 2L इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 6 mm ऐसे, और इसके मिड पॉइंट O से ऐसे यहां पर यह 120 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पॉइंट है यहां पर C, और आपसे कहा है यह R इक्वल टू 3 meter है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो चलिए आज के क्लास हम लोग 10 मिनट पहले स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आपका क्लास का टाइमिंग था बच्चों 9:05 से 10 बजे तक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप सभी को